हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेकंड क्लास ऑफ अडोबी इलस्ट्रेटर। पिछली क्लास में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ अ काइंड ऑफ सिलेक्शन टूल जिसकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन टूल की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं कर पाता। तो हम उनके बारे में बात करेंगे आज। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे प्रैक्टिस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल हमें कहाँ से मिलता है। सिलेक्शन टूल ये पहला है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसका शॉर्टकट जो है वो V है। एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो इसके साइड में होता है वाइट एरो। सिलेक्शन टूल ब्लैक होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाइट होता है। वाइट एरो जिसका शॉर्टकट है A, या तो आप अपने आर्ट बोर्ड पर या कहीं भी आउटर साइड में क्लिक करके A को प्रेस करेंगे तो अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ जाकर अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले लाइन सेगमेंट हम यहाँ से बना सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट जो आप देख सकते हैं बैक स्लैश है, और एक पॉइंट पर हम क्लिक करके इसको पुल करेंगे। शिफ्ट की हेल्प से मैं पुल करूँगा जिससे स्ट्रेट लाइन बने, आप भी याद रखिएगा। उसके बाद मैं पहले माउस को छोड़ूंगा, देन शिफ्ट को छोड़ूंगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और हेल्प कर दी है इस वीडियो में, और अपकमिंग वीडियोज़ में भी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि जो कीबोर्ड है, की प्रेस है, वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जितने भी की स्ट्रोक प्रेस होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है। तो व्हाट एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक पाथ क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक्चुअली एक पाथ, एक लाइन सेगमेंट, टोटली ये जो हम डिजाइनिंग करते हैं, जो भी लाइन क्रिएट कर रहे हैं, पाथ क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? वो एक तरीके से हम एक ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक पर्टिकुलर पाथ जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। ओके, तो अब इधर जो है मैंने एक लाइन क्रिएट की है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर के एंड पॉइंट्स हैं दोनों जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं। तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो हम यूज़ है वो इन एंड पॉइंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से एक पाथ का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, एक पाथ की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और किसी भी डिज़ाइन को रीशेप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके। ओके, तो आप देखिए, जैसे मैं सबसे पहले अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करता हूँ, उसके बाद मैंने ये जो लाइन है ये लाइन सेलेक्ट कर रखी है। पहले तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, मैं सबसे पहले इस लाइन का कलर हटा दूंगा, इसका स्ट्रोक इनविजिबल कर दूंगा। इसमें फिल नहीं होता है, फिल और स्ट्रोक क्या होते हैं हम आगे डिटेल में जाएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पाथ जो है, एक लाइन जो है, उसमें फिल नहीं होता है क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये एक ओपन पाथ है, पाथ के दो एंड पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये एक ओपन ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में फिल नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक पर्टिकुलर पाथ का कलर होता है, एक लाइन का कलर होता है, एक तरीके से इसको आप आउटलाइन भी बोल सकते हैं, बट स्ट्रोक हम यूज करेंगे एक पाथ के कलर के लिए। ओके, स्ट्रोक वर्ड का जो यूज है। अब आपको ये ब्लू कलर की एक बारीक सी लाइन दिख रही होगी इधर, जिसके कॉर्नर्स पे दो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, और ये बीच में एक पतली सी बारीक सी लाइन है जिसके ऊपर मैं जब माउस लेके जाऊंगा तो ये हमको दिखाएगा ये पाथ है, और मैं इन स्क्वायर्स पे जब लेके जाऊंगा तो ये शो करेगा ये एंकर है। तो सबसे पहले तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुझे कैसे शो कर रहा है, आप देख लीजिएगा व्यू में जाकर, और नीचे स्मार्ट गाइड का ऑप्शन है, इसको आप चालू रखिएगा, कंट्रोल यू से भी आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बताता रहेगा एग्जैक्टली कि किस जगह पर क्या है, किस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है जब आप एक इनिशियल लेवल पर, बिगिनर लेवल पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और मैंने पहले भी इसमें एक डिज़ाइन ड्रॉ की थी जिसकी वजह से मेरे को यहाँ शो हो रही है ये लाइन। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके एंकर्स को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो इस पर्टिकुलर लाइन को जो एंकर क्या है, इसमें जो एंकर है वो एंकर क्या काम आते हैं, आप एंकर वर्ड देखिए। एक शिप के लिए एंकर क्या होता है? एक शिप के लिए एंकर होता है एक ऑब्जेक्ट जो पूरी शिप को एक जगह पर होल्ड करके रखता है, राइट? तो इसी तरीके से यहां पर एंकर का क्या काम है? बिल्कुल सेम काम है, ये एक पाथ को एक पर्टिकुलर जगह पर होल्ड करके रखता है, ठीक है? उस पर्टिकुलर एंकर की हेल्प से मैं पाथ की डायरेक्शन, शेप, पोजीशन, ये सब चीजें चेंज कर सकता हूँ।
जैसे मैंने अभी सिर्फ इस साइड का सेलेक्ट किया, मैं एक बार इसको स्ट्रोक दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा इजी रहे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वापस अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ एक साइड सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी जो पोजीशन है दूसरे एंकर ने उसको होल्ड रख रखा है क्योंकि मैंने उसको मूव करने के लिए सेलेक्ट किया ही नहीं। और मैं इसको एक एंकर पॉइंट की हेल्प से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूँ, शेप चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जब एक को मूव कर रहा हूँ तो दूसरे ने अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड रखी हुई है। तो इस तरीके से एंकर टूल की हेल्प से हम किसी पाथ की, किसी वेक्टर डिज़ाइन की हम पोजीशन, डिज़ाइन, शेप, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इस पाथ का और इस एंकर पॉइंट का अपने एंटायर वेक्टर डिज़ाइन, वेक्टर आर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको ध्यान रखिएगा और पूरे ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगला मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट जो होता है वो एम होता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शॉर्टकट जो है वो जब आप कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन पर काम करेंगे, एक प्रोफेशनल वे में एक आइडिया पर काम करेंगे, तो बार बार आप अपने माउस को टूल पैलेट पर नहीं लेकर जाएंगे, तो आप शॉर्टकट से बहुत ही फास्ट और स्पीडी वर्क करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। तो शॉर्टकट हमेशा याद रखना, धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, तो मैं शिफ्ट दबा के और पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जब मैं इसके पाथ पर इसको लेके जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये पाथ है और कॉर्नर्स पे एंकर है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें जो पहले के वर्जन्स में नहीं था, अडोबी ने सीसी में ही इंट्रोड्यूस किया है इसको। तो इस पॉइंट की हेल्प से मैं इसके जो कॉर्नर है उसमें कर्व दे सकता हूँ। ओके, इस कर्व को दिया जब मैंने तो यहाँ पे हमारे दो एंकर पॉइंट्स क्रिएट हो गए, पहले सिर्फ एक ही था जब कर्व नहीं था। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट करके किसी एक को भी पुल किया तो सारे जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो जाएंगे, बट अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट करके और पुल कर रहा हूँ तो इससे सिर्फ एक साइड का ही कॉर्नर जो है वो कर्व होगा। ओके, तो चलिए वापस आते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड एंकर पे। तो इस पर्टिकुलर एंकर की हेल्प से मैंने अभी सिर्फ एक ही एंकर को सेलेक्ट किया, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं किया, तो इसकी हेल्प से मैं एक पर्टिकुलर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसकी शेप जो है वो चेंज कर दी, मैंने इधर से इसको सेलेक्ट कर लिया, चेंज कर दिया, देन मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको चेंज कर दिया। इस तरीके से एक एंकर की हेल्प से मैं इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब अगर मेरे को इसको रिपोजिशन करना है तो मुझे सेंटर को प्रेस करके ही करना पड़ेगा, सेंटर को होल्ड करके। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। ओके, तो कुछ ट्राई करते हैं इसके लिए। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेता हूँ, एक और शॉर्टकट बताऊंगा आपको, राइट अल्ट एंड जीरो। राइट अल्ट जो है वो कंट्रोल एंड अल्ट का काम करता है। राइट अल्ट एंड जीरो जब आप प्रेस करेंगे, या फिर कंट्रोल अल्ट एंड जीरो जब आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट अल्ट एंड जीरो, तो जो आपका जो पूरा आर्ट बोर्ड है वो जूम आउट एक पर्टिकुलर फ्रेम में आ जाएगा, एंटायर आर्ट बोर्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं पहले सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा गैप दे लेता हूँ, देन मैं अल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी जनरेट करता हूँ शिफ्ट दबा के। ये इंटरसेक्ट, मतलब इसने बता दिया कि यहाँ पर ये टच हो रहा है। ओके, तो मैं एक और कॉपी इसकी जनरेट कर लेता हूँ प्रेस अल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके, देन इसको जूम इन करते हैं अल्ट एंड व्हील से। अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं अभी सिर्फ ये ऊपर के दो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, देन इसको सेलेक्ट करके मैं या तो एंकर पॉइंट से इसको उठा लूँ या फिर यहाँ से उठा लूँ, मैं इसकी पर्टिकुलर इतने पार्ट की पोजीशन चेंज करूँगा, देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके मैं सिर्फ इतने पार्ट की पोजीशन चेंज कर लूँगा। ओके, देन मैं इन चार पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो मैं कहीं से भी इसको पकड़ के इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। ये वही अलग अलग बॉक्सेस हैं, मैंने बस इनको इस तरीके से अरेंज किया है जिससे ये आपको लगे कि एक 3D बॉक्स है। मैं अभी सिलेक्शन टूल से इनको मैंने अलग अलग किया है, वापस से अटैच कर देते हैं। इसी तरीके से मैं सेम पूरे को सेलेक्ट करके अल्ट प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करके मैं स्ट्रेट इसको साइड में ले सकता हूँ। देन मैं इसको जब छोटा करूंगा, अभी मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है और इसको मैं छोटा कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं इसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है साथ में। बट मैं इसको अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से छोटा या बड़ा करूंगा
सिलेक्शन टूल की हेल्प से जब मैंने इसको सेलेक्ट किया या कितना भी छोटा सा भी पार्ट सेलेक्ट किया और देन मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, तो इतने ही पार्ट को छोटा बड़ा कर रहा है, या फिर मैंने मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो इसने काफ़ी सारे पार्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट टच हो रहे थे उससे सिलेक्शन से, उन सबको पूरा ग्रैब कर लिया या फोकस कर दिया। और मैं इसकी जब पोजिशन चेंज कर रहा हूँ तो ये इवन परस्पेक्टिव भी चेंज कर दे रहा है, तो इससे पूरी डिज़ाइन जो है वो हमारी बिगड़ रही है। बट इसी चीज़ को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से बहुत इजीली कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया, मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया तो मेरे सिर्फ ये नीचे के एंकर पॉइंट्स ही जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। देन मैं इसको शिफ्ट दबा के और थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इससे इसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी जो डायमेंशन एंड डिज़ाइन है वो चेंज हुई है। ओके, देन मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको अपने डायरेक्ट सिलेक्शन नॉर्मल सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसको भी मैं शिफ्ट दबा के बड़ा करूँगा, जिससे इसका जो पर्सपेक्टिव है और जो सारी चीज़ें हैं वो अलाइंड रहे। ओके, मैं इसको यहाँ से रिपोजिशन करके और यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसमें आपको पीछे की लाइन भी शो हो रही है, तो इसका एक तरीका है, हम इसके जो फिल और स्ट्रोक है वो बाय डिफॉल्ट रीसेट कर सकते हैं। उसमें कलर फिल नहीं करेंगे अभी के लिए, क्योंकि मैं अगर कलर पे आया तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैं एक बार इनको रीसेट कर देता हूँ। ये जो बटन है इससे हमारे डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बॉक्स की तरह ये लग रहा है, तो ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से बहुत ईजिली बना सकते हैं। ओके, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को अगेन मैं छोटा या बड़ा करता हूँ बिना परस्पेक्टिव चेंज किए। तो मैं इसके लिए अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ नीचे के पार्ट को होल्ड करूंगा, देन इसको ऊपर ऐसे कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से डिजाइन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से और क्या क्या कर सकते हैं। मैं अभी इनको जो है पूरा साइड कर देता हूँ। तो अभी जो है ये सारे अलग अलग हैं जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमको इनको सबको एक ज्वाइन करना है या सबको एक साथ मूव करना है, इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देन इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पर क्लिक करके हम ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे जो है एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, सारे एक साथ ही मूव होंगे, उसके बाद ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर मैं इसे कहीं से भी सेलेक्ट करके इसे मूव करूं, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सेम फॉर दिस, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं राइट क्लिक करता हूं, मैं ग्रुप पे जाता हूं, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम और देखते हैं अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, एंकर एंड पाथ की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं इनको साइड कर देता हूँ, इनकी अब हमको जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूँ, जूम कर लेते हैं, मैं शिफ्ट दबा के और एक इसमें सर्कल बना लेता हूँ, देन साइड मूव करके, और एक मैं इसमें रेक्टेंगल स्क्वायर बना लेता हूँ। ओके, मैं इसको मूव कर लूँगा, रोटेट कर लूँगा एक बार। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक बनाया है इसमें स्क्वायर और एक बनाया है सर्कल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये कर्व डिज़ाइन है, ये एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स हैं, इसके वर्टिसेस हैं, और ये कर्व्ड है, इसका कोई वर्टिसेस नहीं है। बट जब मैं इसको अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ही सिमिलरिटी क्या है, इसमें चार एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 इसमें हैं, और सेम 1 2 3 4 इसमें हैं। डिफरेंस है कि इसमें कर्व है इन दो एंकर पॉइंट्स के बीच में, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व क्यों है? क्योंकि पाथ तो वही है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि इसका जो पाथ है, दो एंकर पॉइंट्स जो हैं वो पाथ के दोनों एंड पॉइंट्स को होल्ड करते हैं, तो एंड पॉइंट्स को होल्ड तो करते हैं। तो सेम इधर भी हो रहा है कि ये एक पाथ के दोनों एंड पॉइंट्स को होल्ड कर रहे हैं, दो एंकर पॉइंट, बट यहाँ स्ट्रेट लाइन होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर कर्व होल्ड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों साइड से
दो और लाइन निकल के आई जिनमें सर्कुलर एंड पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है, इनको हम इलस्ट्रेटर में बोलते हैं हैंडल्स, ठीक है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में बेजियर्स बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में हम इसको हैंडल्स बोलते हैं। ये हैंडल्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं हमारे किसी भी पाथ को कर्व देने में, उस पाथ के दो एंड पॉइंट्स के, दो एंकर पॉइंट्स के बीच के जो पाथ है उसको कर्व देने में। अब ये जो हैंडल है, इस एंकर पॉइंट पर एक साइड का जो हैंडल अटैच है वो दूसरे एंकर पॉइंट से हाफ डिस्टेंस तक जो पाथ है उसके कर्व पे डिपेंड करेगा, और सेम फॉर दिस साइड। तो ये वाला हैंडल जो है वो यहाँ तक इसका कर्व मेंटेन कर रहा है, और ये वाला जो हैंडल है वो यहाँ तक इसका कर्व मेंटेन कर रहा है। इस हैंडल को हम पकड़ के और पुल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है, इसका कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, ठीक है, शेप बिल्कुल हम इसका रेस्ट्रॉय कर दिया। किसकी वजह से, हैंडल, हैंडल इसके शेप के कर्वेचर को मेंटेन करता है। तो मैं अभी इसे कंट्रोल जेड करके फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरीके से इसमें भी हैंडल्स हैं, बट इसके हैंडल्स जो हैं वो क्या है, उसके हैंडल्स जो हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कर्व कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आपको यहाँ हैंडल शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके कर्व को हैंडल करने के काम आता है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें से मैं ये, एक और हमारा टूल होता है, मैं एक और टूल के बारे में बताता हूँ आपको, ये होता है एंकर पॉइंट टूल, जो इस पेन टूल वाले ऑप्शन में जब हम देर तक प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आएगा एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम, मान लो कहीं पर हमको हैंडल नहीं मिल रहे या हैंडल नहीं शो हो रहे, या कहीं हमें उसका डिज़ाइन चेंज करना है, ठीक है, लाइक यहाँ पर इस पर्टिकुलर, उसमें हमें हैंडल शो नहीं हो रहे थे, इस पर हम क्लिक करके इसको जब हम पुल करेंगे तो यहीं से हमारे दोनों जो हैंडल हैं वो निकल आए और इसकी जो शेप है वो चेंज कर दी, इसमें कर्व ला दिया, सेम लाइक दिस। मैं शिफ्ट दबा के करूँगा जिससे अपना स्ट्रेट लाइन मेंटेन रहे, सेम फॉर देयर एंड सेम फॉर देयर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको मैंने ऑलमोस्ट एक सर्कल बना दिया। ज्योमेट्री मैन हैंडल्स को टेंजेंट भी बोलते हैं, मैं भूल गया था अभी, ज्योमेट्री मैन हैंडल्स को टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही इधर भी हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम ऑलरेडी किसी एंकर पॉइंट पर जिस पे हैंडल है उस पे अगर इस टूल से, एंकर पॉइंट टूल से क्लिक करेंगे नॉर्मल क्लिक, तो वो जो हमारे हैंडल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, हैंडल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे और जो कर्वेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से चारों तरफ के हैंडल्स को डिलीट कर देता हूँ तो ये एक सर्कल बन गया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने सर्कल को स्क्वायर में चेंज कर दिया और स्क्वायर को सर्कल में। तो ये किसकी वजह से हुआ, पाथ, एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल की वजह से। और इन हैंडल्स को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं आगे, एक बार इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और भी हम डिजाइन्स बनाते हैं काफी सारी, कि ये हमको रेक्टेंगल ही बनाना है तो हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे। देन तो अब एक चीज है कि आप देखिए कि इसमें हम ये जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जो एंकर पॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स भी हैं साथ में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, एक डिजाइन के। इन एंकर पॉइंट्स के बेस पर ही किसी पर्टिकुलर डिजाइन में एक शेप बनती है, तो ये एक तरीके से इनका जॉइंट है, ओके। तो अब मान लो मैं इसको यहां से मूव करूंगा, इस पर्टिकुलर एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं मूव करूंगा, तो ये इस पे से मूव होगा, इस पे से मूव होगा। अब जस्ट इमेजिन अगर ये नहीं होता, ये वाला एंकर पॉइंट अगर नहीं होता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये, मैंने पूरी लाइन ही डिलीट कर दी, मैंने पूरा पाथ ही डिलीट कर दिया, ओके। मैंने क्या कर रहा हूँ मैं एक बार डिलीट करता हूँ, फिर मैं बताऊँ कैसे किया। मैंने मान लो इसको डिलीट कर दिया, देन अगर मैं इसको मूव करता तो ये दूसरे जॉइंट पे से मूव होता। लाइक एक बात देखिए, आपकी कोहनी है, आपका घुटना है, वो एक जॉइंट है, तो आप आपका आगे का हाथ या पैर मूव करते तो वो घुटने पर से मूव होता है। मान लीजिए घुटना नहीं होता, सीधा थाई का जॉइंट होता, या फिर कोहनी नहीं होती, सीधा अपना कंधे वाला जॉइंट होता, तो आप अगर हाथ मूव करते तो वो कंधे पर से होता। तो सेम इधर डिजाइन पर भी काम करता है, ये एक तरीके से जॉइंट है। अब मान लीजिए मेरे को इसमें
एक और ज्वाइंट ऐड करना है या एक ज्वाइंट हटाना है, तो इसके लिए एक टूल होता है अपने पास, पेन टूल। ठीक है, पेन टूल होता है, काफी पावरफुल टूल है, लेकिन अभी हम इसके आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, अभी के लिए जितना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक एड एंकर टूल है जो प्लस से सेलेक्ट होता है, डिलीट एंकर टूल है, माइनस से एंकर पॉइंट टूल है, इसके साथ अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है। तो अभी मैं सिर्फ एक पेन टूल कर लूंगा सेलेक्ट, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बाकी दोनों काम भी कर सकते हैं। तो मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया। अब पेन टूल की हेल्प से मान लीजिए मेरे को ये एक पॉइंट जो अभी आप देख सकते हैं पेन टूल के ऊपर एक स्टार आ रहा है, अभी सिंपली एक स्टार आ रहा है। तो जब हम इसको ऑलरेडी कोई अगर एंकर पॉइंट है उसके ऊपर अगर हम पेन टूल को लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं इस पर माइनस आ रहा है, तो ये डिलीट एंकर पॉइंट की तरह काम करेगा। इस पर मैं नॉर्मली क्लिक कर दूंगा तो इसने एंकर पॉइंट को डिलीट कर दिया और वो ज्वाइंट डिलीट हो गया। अब जो दो ज्वाइंट्स थे उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बन गई। ओके, अगर मैं इसको किसी पाथ पर ले जाऊंगा एंकर पॉइंट, इसको पेन टूल को, तो ये प्लस का आइकन शो करेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक नया एंकर पॉइंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा एंकर पॉइंट पे, इसको पुल करूंगा तो इससे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक नया ज्वाइंट ऐड हो गया है ये। तो इसके थ्रू हम एक नया ज्वाइंट ऐड कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू और उससे हम शेप दे सकते हैं। अब मैं अगर शिफ्ट सी दबाता हूँ, शिफ्ट सी से क्या होना था, हमारा एंकर पॉइंट टूल जो है वो सेलेक्ट होना था, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी शॉर्टकट से सेलेक्ट किया शिफ्ट सी से। आप शॉर्टकट को याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार आपको बोला है, आप शॉर्टकट याद रखिएगा। अभी नहीं होगा लेकिन ट्राई कीजिए कि आप शॉर्टकट से काम करें, से आपकी प्रैक्टिस में आए। फिर जब इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको पुल करेंगे तो इसमें हैंडल्स आ गए, देन हम इसमें कर्व दे सकते हैं। हमने इसमें कर्व दिया और ये एक शेप बन गई। ओके, चलिए अभी मैं इसको भी साइड कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छी शेप नहीं बनी है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, जस्ट बेसिक पे काम कर रहे हैं, अभी बिगिनर कोर्स है टोटली, धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पर आएंगे, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा लेते हैं, एक और डिज़ाइन बनाते हैं। मैं एक एलिप्स टूल लेता हूँ, मैं भी कई बार एक्चुअली भूल जाता हूँ शॉर्टकट्स को, तो मैं उधर चेक कर लेता हूँ, ये जो टूल ज़्यादा यूज़ में नहीं आता तो उसका शॉर्टकट याद नहीं रहता, तो मैं उसको उधर से जाकर और तब यूज़ कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो लाइक मैंने इधर एक एलिप्स बनाया। ठीक, तो अभी ये सिर्फ एक एलिप्स है, मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ एक ही एलिप्स से, देन मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ। मैं बनाना चाह रहा था अंडा, लेकिन अभी अंडे जैसा नहीं है, लेकिन मैंने इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट किया। अब मैं इसको उस पर क्लिक करके शिफ्ट की हेल्प से इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर दूंगा, तो ये अभी थोड़ा सा अंडे जैसा लग रहा है, राइट? मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर से एक बार इसको नीचे कर दूं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इतना लंबा अंडा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो अब ये थोड़ा बहुत अंडे जैसा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया, अब मैं इसको साइड कर देता हूँ। एक और डिज़ाइन बनाते हैं, दोबारा एलिप्स लेते हैं। मैंने एलिप्स लिया, एक थोड़ा सा चौड़ा एलिप्स बनाया, मैंने सिलेक्शन टूल से इसको पिक किया, देन डायरेक्ट वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया। अब मैं क्या करूँगा, मुझको क्या बनाना है, मुझको बनाना है आम। ठीक है, तो आम ऐसा तो दिखता नहीं है, मैं इसको इसके हैंडल्स के थ्रू थोड़ी सी शेप दूंगा यहाँ पर पर्टिकुलरली। मैं इसको पर्टिकुलर सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, एंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर देता हूँ। क्लियर आर्म जैसा नहीं लग रहा है लेकिन काइंड ऑफ आर्म है, लेकिन इसको और थोड़ा सा फिक्स करते हैं। ओके, मैं देखता हूँ इसको शायद मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, हाँ अभी ये काफ़ी हद तक आम जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है आम जैसा लगे या कुछ भी हो, बट एक दिखना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ मैंगो। ओके, चलिए मैं एक दूसरा इसमें एक एलिप्स बनाता हूँ, देन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसमें अपना जो एंकर टूल एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से इसको मैंने डिलीट किया और इसके दोनों के हैंडल्स को डिलीट किया, इससे इसमें कॉर्नर्स आ गए हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ लीफ। तो मैं अब इसको यहाँ से पिक करके यहाँ लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, तो ये अभी एक
मैंगो के साथ एक लीव जैसा लग रहा है। ठीक है, मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैं इसे ग्रुप भी कर देता हूँ कंट्रोल जी से, मैंने इसको ग्रुप कर दिया। एंड देन मैं इसको छोटा करके इसको साइड कर देते हैं, मैंने शिफ्ट दबा के छोटा नहीं किया तो उसकी शेप बिगड़ गई, देन इसको साइड कर देते हैं। ओके चलिए, तो अभी हम बिगिनर लेवल के डिज़ाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो अभी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। थोड़ा सा बोरिंग होगा जिनको आता है उनके लिए, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ तो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके डिज़ाइंस बना रहे हैं, इसके बेसिक एडवांस हर तरीके के टूल को यूज़ करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। इसी तरीके से छोटे 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 कंपोनेंट्स बना के, इनको आप अगर एज अ कंपोनेंट कंसिडर करें, तो ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के हम एक बड़ी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं इसमें। ऐसा नहीं हम सिंगल एक बार पे टूल उठाया और हमने सारा कुछ डिज़ाइन करके निकाल दिया, हम भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स के थ्रू लेयर्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ओके अभी आगे और भी काफ़ी तरह के सिलेक्शन टूल्स हैं इसमें, तो धीरे धीरे करके जब हम प्रैक्टिस में आएंगे, आगे की क्लासेज में बढ़ेंगे, तो हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पेन टूल भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में पेन टूल एंड शेप्स एंड एवरीथिंग, धीरे धीरे करके हम सारा कुछ पढ़ेंगे, फिल स्ट्रोक। तो अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल का चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, अभी हम इसमें और थोड़ा सा बनाते हैं चीज़ों को। तो मैंने अभी ये लिया एक, ठीक है, इसके बाद मैं इसमें आर्क लूँगा। आर्क जो है वो जस्ट एक सिंपल सी कर्व लाइन है, एक आर्क होता है, मैंने नॉर्मली एक आर्क लिया है बिल्कुल, ठीक है, मैंने इस आर्क को बनाया। मैं इसको अल्ट एंड व्हील से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करके इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देन मैं वापस से एल की हेल्प से मैंने एलिप्स को सेलेक्ट किया एंड मुझे बनाना है एक छोटा सा सर्कल। मैं इसको और भी जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ बनाता हूँ सर्कल छोटा सा बिल्कुल, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा गोल रहे, बट मेरे को ये ज़्यादा गोल नहीं रखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन ही रखता हूँ इस तरीके से। ओके एंड मैं पीछे की पूरी इमेज, पीछे का पूरा जो एलिप्स है वो मूव हो गया, मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा अप मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिए एग्जैक्टली क्या बनाया है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रेप। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। अभी इससे क्या होगा, ये पूरा सेलेक्ट होगा, देन मैं अल्ट प्रेस करके इसको साइड में निकालूंगा। अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ स्ट्रेट लाइन में निकलेगा, अभी मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया है, ठीक है, मैं एक और निकालूंगा। ठीक, मैं अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व करके एक बंच क्रिएट करूंगा, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर किया एंड मैं इसको यहाँ ले गया, देन थोड़ा सा इसको इधर कर्व करते हैं, इसको हमें बंच क्रिएट करना है, तो हमने ये बनाया, इस पर राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करके हम इसको अरेंज पे जाएंगे। अरेंज पे जाकर अब ये ऑप्शंस होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप ऊपर आ जाए, ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एक तरीके से आप ये मानिए कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो ये एक स्टेप ऊपर आ जाए। ब्रिंग बैकवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप पीछे चला जाए, सेंड टू बैक का मतलब होता है सबसे पीछे चला जाए, ठीक है। सेंड टू करंट लेयर, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी लेयर की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को ये चाहिए सबसे आगे, तो मैंने क्या किया, इसको सेंड टू फ्रंट करना था, मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक कर दिया तो वो एक स्टेप आ गया है। ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ब्रिंग टू फ्रंट किया, ये जो बीच वाला था वो मेरे को सबसे ऊपर चाहिए था, वो आ गया। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा इसको मूव करना है। अब ये एक तरीके से एक ग्रेप्स का बंच दिख रहा है हमको। ओके तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको भी ग्रुप कर दूंगा पूरे को कंट्रोल जी। अब आप सोचेंगे ये ग्रुपिंग का पता कैसे चलेगा। ओके मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। ये रही हमारी लेयर्स, लेयर्स में यहाँ पर आपको ये ग्रुप्स बन रहे हैं, इनका पता चल जाएगा। ओके ये हमारा ग्रेप का, ये अलग अलग तीन तरह के ग्रेप्स का, एंड देन इसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स थे उनका, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। ओके तो इस तरीके से ग्रुपिंग होती है। अभी मैंने इन तीनों का ग्रुप बना दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं अल्ट प्रेस करके इसको भी अलग निकाल लूँगा, अलग निकाल लूँगा और अलग निकाल लूँगा, अलग निकाल लूँगा। मैंने इसके काफ़ी सारे बंचेस निकाल लिए, देन मैं इनको सबको साथ में लेकर इन सबका एक सिंगल बंच बनाऊंगा। ओके थोड़ा सा इसको इधर मूव करते हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट हो चीजें, बट काइंड ऑफ सिमिलैरिटी हो,
ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके अब सेंड टू बैक कर दूंगा, सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। एंड देन मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर मूव करूँगा तो ये इधर शो होगा, बट मैं इसको भी सेंड टू बैक कर दूंगा, सेंड टू बैक कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करके, अभी दूसरा वाला सेलेक्ट हो गया था, मुझे ये करना था। ठीक है, हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि मान लीजिए कि एक सेलेक्ट हो गया, हमें दूसरा वाले को कैसे फिक्स करना है। वो वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसको निकाल कर मैं यहाँ ले आया, एंड सेम फॉर दिस, वो थोड़ा वहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ ले आया। मैं इसको यहाँ लगा के सेंड टू अरेंज टू बैक कर देता हूँ, सेंड टू बैक, एंड सिमिलर तरीके से मैं इसको यहाँ पर मूव किया। ओके, उसके अलावा इसको मैंने यहाँ लगा दिया, इसको भी मैं अरेंज करके सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप और बैकवर्ड करेंगे। तो अब बार बार इसको ओपन कौन करे, तो इसके लिए शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड का। ठीक, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन लेफ्ट साइड स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये थोड़ा सा पीछे चला गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, अल्ट प्रेस किया, ये निकल आया। ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं इसको भी पूरे को पीछे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पीछे चला गया, थोड़ा सा मैसी हो गया, बट नॉट एन इशू, हम इसको खुद से ही ठीक कर सकते हैं। बस वी ऑल आर गोइंग टू बी अ डिजाइनर एंड इलस्ट्रेटर। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा बंच को और किक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेप्स और काफी सारी चीजें बना सकते हैं। इसको अपन थोड़ा सा और फिक्स करते हैं, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब ये तब भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ग्रेप्स का एक बंच बना लिया। इस पर राइट क्लिक करते हैं, देन इसको ग्रुप। ओके, तो अब इसको पूरे को हम मूव कर सकते हैं, ये एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्रेप का एक बंच लग रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके काफी सारी डिजाइन क्रिएट करेंगे आगे। तो चलिए, इसमें मेरे को एक और चीज लगानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पेन टूल का यूज करता हूँ। पेन टूल की हेल्प से मैंने यहाँ क्लिक किया, देन मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, देन मैं एक काम करता हूँ, मैं शिफ्ट सी प्रेस किया और उसकी हेल्प से मैं इसको इसमें कर्वेचर दे देता हूँ। मेरे को बस इसमें एक स्टिक ऐड करनी है, जिसकी जो अच्छी लगे, इसे रियल में एक बंच जैसी फील दे। ओके, देन इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ इस पॉइंट पर, एंड ओके, देन मैं इसको इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, जिससे लिटरली एक पंच लगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बंच बन के रेडी है। मैं इसको भी ग्रुप कर देता हूँ इसके साथ, तो अभी मैं इसको मूव करूँगा तो इसके साथ ये पूरा मूव होगा। तो हमारा ये एक ग्रेप का बंच रेडी है। ठीक है, हमारा एग रेडी है, हमारा मैंगो रेडी है, हमारा बॉक्स रेडी है, ये ग्रुप बॉक्स है हमारा। इसी तरीके से हम और भी काफी काफी डिजाइन्स बनाएंगे। तो आगे भी आपको इसी डिटेल के साथ काफी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। पूरा कोर्स बनाया है मैंने आपके लिए, पूरे कोर्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा काफी डिटेल में। मैं लिटरली ये चाहता हूँ कि आपको पूरा एक्सपर्ट करके छोड़ूँ इसमें, मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप ही प्लीज पूरा सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।